Hello everyone, let's start with video number 4 on chapter 2, that is asset, basis and salt. So let's start with the today's topic, that is how do assets and bases react with each other. So agar main baat karun assets aur bases ki, jab bhi asset aur base aapas mein milte hain, they form salt and water. अब इसका क्या मतलब है कि सॉल्ट और वाटर बनते हैं? सॉल्ट एंड वाटर बनने का ये मतलब है कि जब भी एसिड और बेस मिल रहे हैं, दे आर न्यूट्रलाइजिंग देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर. जैसे मान लो कि अगर आपके पास एक जगह एसिड बहुत ज्यादा हो गया एंड यू वांट टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एसिड, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल पुट सम बेस ऑन इट. अगर मान लो कि आपके पास बेस बहुत ज्यादा हो गया, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर एसिड डाल दोगे ताकि बेस का इफेक्ट कम हो जाए. तो व्हाट दे डू इज दे न्यूट्रलाइज ईच अदर इफेक्ट. सो दैट्स व्हाई देयर रिएक्शन नेम इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. व्हेन बेस एंड एसिड आर एडेड, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में. एक बार एसिड लेंगे, मान लो हमारे पास येल्लो वाला एसिड है और मान लो ब्लू वाला हमारे पास बेस है. इन दोनों को हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और जैसे ही इन दोनों को हमने डाला तो दे फॉर्म अ ग्रीन कलर सॉल्यूशन. दिस इज जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन. सो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन क्या सजेस्ट कर रहा है हमें कि दिस इज सॉल्ट. ना तो हमारे पास एसिड का कुछ इफेक्ट रहा, ना तो हमारे पास बेस का कुछ इफेक्ट रहा, तो हमारे पास क्या बना, सॉल्ट बना एंड देयर विल बी सम वाटर ऑन टॉप ऑफ इट. और हमारे पास क्या मिलेगा, कुछ वाटर की क्वांटिटी मिलेगी. तो जैसे ही बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर एंड देयरफॉर इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बेस और एसिड का. मान लो बेस है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिड इज HCl. अब क्या होगा आपके पास, हमें पता है सेकेंड वाला प्रोडक्ट तो मिलना ही मिलना है, H2O तो मिलना ही मिलना है. तो H यहाँ से आया, OH यहाँ से आया, दो H हो गए H2O. ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, एक के पास बचा Na, दूसरे के पास बचा Cl. तो दिस विल बी NaCl एंड इट विल बी एक्वस सोल्यूशन. तो दिस इज माई सॉल्ट, NaCl सोडियम क्लोराइड इज माई सॉल्ट. दिस इज सॉल्ट, दिस इज वॉटर, दिस इज बेस, दिस इज एसिड. So when base and acid reacts, they form salt plus water, and therefore this reaction is known as neutralization reaction. Now let's have a look at the other part of the video, that is reaction of metallic oxides and non-metallic oxide. तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो metallic oxide होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, basic oxides. जब भी हमारे मेटालिक ऑक्साइड्स बनते हैं, दे आर नोन एज बेसिक ऑक्साइड्स. अब जब बात करते हैं हम नॉन मेटालिक की, दे आर एसिडिक ऑक्साइड्स, दे आर एसिडिक इन नेचर, वेयर एज द मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. चलो सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन करते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेस. तो हम सबसे पहले लेंगे मेटालिक ऑक्साइड, नेक्स्ट हम लेंगे एसिड. जब हम मेटालिक ऑक्साइड और एसिड लेंगे तो अगेन हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज होगा. तो मेटालिक ऑक्साइड हम कौन सा लेते हैं यहाँ पे, मान लो मैंने लिया है यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, Cu ऑक्साइड प्लस HCl दैट इज एसिड. अब सॉल्ट क्या बनेगा मेरा, सॉल्ट बनेगा मेरा कॉपर क्लोराइड जैसे हमने पहले बनाया था प्लस वाटर. तो वाटर क्या हो गया हमारा, H2. This equation is not balanced. अगर balance करनी हो तो आप कर सकते हैं. इसमें देखो अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो कॉपर ऑक्साइड, जब हमने उसमें HCl डाला, HCl is acid, तो वैसे ही हमारे पास क्या मिला, सॉल्ट मिला और हमारे पास क्या मिला, वाटर मिला. कॉपर ऑक्साइड when reacts with HCl they get transformed into salt and water. अब इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि जब भी हमारे पास कॉपर ऑक्साइड होता है, कॉपर ऑक्साइड इज एक्चुअली ऑफ रेडिश कलर, ये रेडिश कलर का होता है और जैसे ही हम इसके अंदर HCl को रिएक्ट करवाते हैं, इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू
ब्लू ग्रीन कलर। तो अगर आपको जानना है कि ये चेंज हुआ है या नहीं हुआ, तो आपको कैसे पता चलेगा, रेडिश कलर से वो ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बार बार ये रिपीटेड है इसलिए मैंने आपको बताया। देन हमारे पास आता है जनरल इक्वेशन फॉर नॉन मेटालिक ऑक्साइड। इसका भी सेम ही है, बिल्कुल सेम है। अगर आपके पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है और हम बेस लेते हैं, तो हमारे पास अगेन सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। अब मान लो नॉन मेटालिक ऑक्साइड आपके पास है कैल्शियम, सॉरी नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड और बेस हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये चीजें हैं हमारे पास। अगेन हमारे पास सॉल्ट बनेगा और हमारे पास वाटर रिलीज होगा। सॉल्ट क्या बनेगा इसमें हमारा, इट वुड बी कैल्शियम कार्बोनेट। दिस विल बी कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमने नॉन मेटालिक ऑक्साइड लिया था, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे पता चला, कार्बन एक नॉन मेटल है और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। सो आई टुक कार्बन डाइऑक्साइड हियर, देन वी हैव अ बेस, यू कैन टेक एनी बेस। आई टुक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हियर एंड व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट वी गेट इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर इज रिलीज। सो इन ईच केस यू कैन सी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। वेदर वी रिएक्ट मेटल ऑक्साइड विद एसिड और वेदर वी रिएक्ट नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस, व्हाट वी गेट इज सॉल्ट एंड वाटर। In the last case as well, when we did how do acids and bases react, in that case also we get salt plus water. So that's all for today's lecture. Thank you for watching this.